हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घर घर में व्याप्त हूं। मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाये हुए हैं। तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी। ये लीजिए। आपने साईं बाबा को पैसे दिए? हाँ। आप कौन होते हैं देने वाले? देने वाला भी साई है और लेने वाला भी साई है। मेरे भक्तों के लिए दक्षिणा वो होती है जो मैं उनसे मांगता हूँ। आप गणपत कदम से जाकर कहिए कि साई बाबा को खरीदने के लिए बहुत सारे रुपए लेकर जल्द से जल्द शिरडी आ जाए। अच्छा, तो दक्षिणा लेने जा रहे हैं। आपको कैसे पता चला? मुझे नहीं, उसे सब पता है। और वो कह रहा है, वह जी आप शिरडी छोड़कर कहीं मत जाइएगा। वादा याद है ना? हाँ हाँ गुंडा जी, तुम्हारे रुपए लौटा दूंगा। पटवा देते हो या सर काट दूं कुल्हाड़ी से? ना 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 ना। अबे जी, दे दीजिए, ये लीजिए, ले लो। अल्लाह मालिक, नहीं माने, कहा था ना शिरडी छोड़कर न जाओ। चले गए, मेरे मना करने के बाद भी चले गए। कौन चला गया भैया? किसे मना किया था आपने? अरे वही। और आपके मना करने के बाद भी चले गए? उन्होंने आप पे विश्वास नहीं किया? आपने जरूर उनका भला सोचकर मना किया होगा। वो नहीं माने तो उनका नसीब। तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो लक्ष्मी बेटी।
आप ही से तो सीखी हूँ बाबा। तुम भी अपनी लक्ष्मी दीदी से कुछ सीख लो। लेकिन भैया आप बात किसकी कर रहे थे? उनकी तात्या जिनकी आत्मा अहंकार से, ईर्ष्या से और द्वेष की भावनाओं से मैली हो गई है। वैद्य जी, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, छाता बनकर। आपके घर से भी ज्यादा। मैं चुप कर। गणपत राव। अरे मूर्खो। गणपत राव? अरे गणपत राव है घर में। आप? नमस्ते, मैं वैद्य कुलकर्णी शिरडी से आया हूँ और द्वारिका नाथ जी ने भेजा है। आपको भगवान द्वारिका नाथ जी ने भेजा है? आप ही गणपत राव कदम हैं? जी आइए आइए आइए। खाना मिलेगा ना? मिल गया खाने को। गणपत, गणपत बेटा। माँ, आपको आराम करने के लिए कहा है ना? हाँ बेटा, अब तो सदा के लिए आराम करने का वक्त आ गया है बेटा। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तुम्हारी और मेहमानों की बातें सुनी हैं। तुम जो करने जा रहे हो वो अच्छा काम नहीं है बेटा। माँ, मैं भगवान द्वारकानाथ जी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष को रिश्वत देकर खरीदना चाहते हो तुम? सुना है शिरडी वाले उन्हें भगवान मानते हैं। माँ, भगवान द्वारकानाथ जी उन्हें पाखंडी मानते हैं। कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी तरफ से कोई बुरा काम मत करो। तुम पाप के भोगी मत बनो बेटा। अगर द्वारिका नाथ जी भगवान हैं, तो वो साईं बाबा का पाखंड और ढोंग शिरडी वालों पर खोल क्यों नहीं देते? मेरी भगवान द्वारिका नाथ जी पर निष्ठा है माँ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मुझे आशीर्वाद दो। गणपत राव, देर हो रही है, जल्दी आइए। गणपत। चलिए चलिए। राम 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 राम। ये क्या गणपत राव, द्वारिका नाथ जी ने तो पैसे लाने के लिए कहा था, ये तरकारी? वैद्य जी, पैसे तरकारी के नीचे है। धन्य है द्वारिका नाथ जी। चलिए चलिए। ये ढोल कैसे बज रहे हैं? अरे शिरडी के लोग भगवान द्वारकानाथ जी की आरती उतारने आ रहे हैं। अरे पागल हुआ है, गांव में मदारी अपना खेल दिखा रहा है। देखना भैया, वो मदारी इस रस्सी पर चलेगा बिना किसी सहारे के। साईं बाबा। हाँ? उसे डर नहीं लगता?
डरेगा तो जीवन का उद्देश्य कैसे पाएगा वो? उद्देश्य? हाँ, उस तरफ से चलते हुए रस्सी पर इस तरफ आना है, यही तो सबका उद्देश्य है तात्या। हमारा उद्देश्य क्या है बाबा? हम सबका उद्देश्य है भगवान को पाना लक्ष्मी। तो फिर हमारा उद्देश्य तो हो गया। क्या? हमने आपको पा लिया। लक्ष्मी बेटी, भगवान को पाने के लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जैसे वो मदारी कर रहा है। तो क्या भैया इस मदारी ने तपस्या की है? हाँ तात्या, तपस्या किए बिना वो रस्सी पर उस तरफ से इस तरफ तक बिना गिरे जा ही नहीं सकता। रस्सी के उस तरफ जन्म है और इस तरफ मोक्ष। और बीच में वो गिर गया तो? जीवन में मनुष्य तब गिरता है जब उसका अधापतन होता है। देखो देखो भैया, वो मदारी इधर उधर कहीं नहीं दिख रहा है, सिर्फ रस्सी पर ध्यान है उसका। इसे एकाग्रता कहते हैं। तपस्या के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जब तक मन में अहंकार है तब तक मन एकाग्र नहीं हो सकता। जब हम अपने अहंकार को जला देते हैं तभी तो मालिक से एक रूप हो सकते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूं ना काशीनाथ? जी जी। ये जो रस्सी है वही माया है, मोह है। जिंदगी के हर कदम में हम डोल जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, लेकिन भगवान को पाने का ध्यान हो तो इस मदारी की तरह हम बिना डोले बिना डगमगाए आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, इसलिए मदारी रस्सी से गिरता नहीं? हाँ। बाईजा, साईं बाबा हमें कुछ शिक्षा देना चाहते थे। हाँ, नहीं तो अब तक खेल देखने रुकते क्या? रुक जा बेटा। माँ, तुम कितना अच्छा बोलते हो साईं बेटा। हर माँ को अपने बच्चे के बोल अमृत से भी प्यारे लगते हैं। देखा कावेरी, साईं बाबा को मैंने दक्षिणा दी थी, बाबा ने उसी में से मदारी को पैसे दिए। मैं बाबा को पैसे देता हूं, बाबा दूसरों को देते हैं। नहीं, आप गलत बोल रहे हो जी। क्यों, बाबा को पैसे नहीं देता हूं? ए जी, कुछ सुना आपने? वो द्वारिकानाथ कैसे ताने मार रहा है, उसने तो आपको साहूकार ही बना दिया। नहीं कावेरी, झूठ नहीं कहा द्वारिकानाथ जी ने। मुझसे दक्षिणा लेकर साईं बाबा ने सच में मुझे साहूकार ही बना दिया। नहीं नहीं, आपको अहंकार हो गया है। शायद इसीलिए साईं बाबा ने आज मदारी का खेल दिखाने का बहाना करके आपका अहंकार जलाने का इशारा किया। अरे नहीं नहीं कावेरी, ये बात तुम्हारी समझ के बाहर है। साईं बाबा की कृपा है मुझ पर, इसलिए वो मुझे बार बार बता रहे थे। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकार
इंसान की तरक्की के रास्तों को रोकता है। अहंकार की वजह से इंसान की अधोगति होती है। इसीलिए कहता हूं, सदैव मेरी याद में मन को लगाए रखो, ताकि वो मोह माया में ना फंसे। जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है, जिसके लिए मेरे बिना सारा संसार सूना है, वो सदैव मेरे दर्शन पाता है। जो सदैव मेरा लीला गान करता है, जो लगातार मेरा ध्यान स्मरण और मेरा ही नाम जपता है, और जो पूर्ण रूप से मेरी शरण में आता है, अपने ऊपर उसका ये ऋण मैं उसे मुक्ति देकर चुका देता हूं। जो मेरा चिंतन करता है और मेरा प्रेम ही जिसकी भूख प्यास है, जो मुझे सबसे पहले अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाता, मैं उसके अधीन हूं। जो इस प्रकार मेरी शरण में आता है, उससे मिलकर उसी तरह से एकाकार हो जाता है जिस प्रकार नदियां समुद्र से मिलकर एकाकार हो जाती हैं। इसलिए अपना अहंकार त्याग कर अपने आप को मुझे समर्पित कर दो। से भड़की, ये भी एक चमत्कार ही है। अरे पानी तो डालो। साईं बाबा की पाक पवित्र धूनी पर हम उनकी इजाजत के बिना ऐसे पानी नहीं फेंक सकते। साईनाथ, क्या आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं? साईं बेटे, अपनी माँ की ममता की परीक्षा ले रहे हो तुम? आप क्यों परेशान हो रही हैं माँ? बेटा आप भड़क रही है। ये आग नहीं, अहंकार है। अहंकार जब भड़कता है तो मनुष्य का विवेक जलाकर राख कर देता है। ये आग हमें बता रही है कि जब विवेक नहीं रहता तो मनुष्य अविवेक में आकर कुछ भी अविचार कर बैठता है। साईं बाबा, आप तो भगवान हैं, हर कोई आपकी आज्ञा का पालन करता है। जी के प्रकोप से आप ही ने तो शिरडी को बचाया था। हाँ बाबा, आप ही ने तो कुएं में गिरी हुई बच्ची को बचाया था। हाँ भैया, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको आज्ञा दीजिए, रुक जाए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। तुमने मेरे भक्तों को डरा दिया है। इतना अहंकार ठीक नहीं है। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। मैं कहता हूं नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे, नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, नीचे। अब शांत हो जाओ। जल पावक पवन नभ पांचों पर अधिकार, नाथ पंच भूताधिपति साई मय संसार, साई मय संसार।
जब साईं बाबा ने आदेश दिया जल को तो जल बना तेल और दीपक जलाए हैं। अज्ञाति भभूति को तो बन संजीवनी रोगियों के रोग शोक पल में मिटाए हैं। पवन महक रही साई की सुगंध से जो गगन की पूछो तो वो गगन से आए हैं। शांत हो जा कह कर साईं बाबा धड़कती ज्वाला को नियंत्रण में लाए। उतरो नीचे उतरो। अरे भगवान द्वारकानाथ की आज्ञा है, नीचे उतरो। ये उतरो, ये हमारे भगवान का आदेश है। नीचे उतरो। देखा द्वारकानाथ जी, आग सिर्फ साईं बाबा की सुनती है, आपकी आज्ञा नहीं मानती। अरे वो साईं बाबा जादू जानता है, जादू, और शिरडी के लोग उसके जादू में आ जाते हैं। उस पाखंडी ने खुद ही आग तेज की होगी और बाद में उसी ने कहा होगा शांत हो जाओ, और आग शांत हो गई। अरे ऐसे ही कहने से शांत होती होगी? तुमने देखा नहीं मैंने कितनी बार कहा उससे, नीचे उतरो नीचे उतरो। उतरी क्या? आप कुछ भी कहो, साईं बाबा शिरडी वालों को आग की तरह अपनी लपेट में ले रहा है। इंसान का अधापतन तब शुरू होता है जब वो उसे अपना शत्रु मानने लगता है। परंतु वो बहुत दयालु है, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। आप भी तो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते बाबा। मैं अपनी कृपा की वर्षा हर किसी पर करता हूं, बिना किसी भेदभाव के। मैं हर दिशा में हूं, हर जगह पर हूं। मैं हर प्राणी मात्र में हूं। भक्ति करता है, मुझ पर विश्वास रखता है, मेरा आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है। अल्लाह, मेरा भक्त इस दुनिया में कहीं भी रहे, मैं सदा उसकी रक्षा करता हूं, जन्म जन्मांतर तक, पीढ़ी दर पीढ़ी तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा रमन हमारा। ओम जय साईनाथ।
धरती पर रह कर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। आइए भगवान द्वारिकानाथ जी, आइए। सुना भगवान द्वारिकानाथ जी, साईं का सातवें आसमान पर रहने वाला दिमाग ठिकाने पर आ गया है। नहीं आता तो आप ठिकाने पर लगा देते। कोंडा जी, मेरी किसी से शत्रुता नहीं है, मैं तो प्रेम करता हूँ, सबको प्रेम बांटता हूँ, सबसे मित्रता करता हूँ, मैं सबको करुणा देता हूँ, और जो दुखी हैं, उनके आंसू पोंछता हूँ मैं। जो भी करो, बस द्वारकानाथ जी से शत्रुता कभी मत करना, वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। सबकी मुश्किलें दूर करने वाला है ना वो, जो सबका मालिक है। दक्षिणा का क्या हुआ? तुम कैसे जानते हो ये? मुझसे कुछ नहीं छुपा भगवान द्वारिकानाथ जी, मैं सब देखता हूं, सब जानता हूं, सब सुनता हूँ। कमाल के जादूगर हो। कमाल का जादूगर तो वो है, वो जो हर कहीं है, हर किसी में है। दक्षिणा मिलते ही तुम्हें शिरडी छोड़नी होगी। शिरडी क्या द्वारिकानाथ जी, ये दुनिया ही सबको छोड़नी है एक दिन। लोगों को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग मुझ पर ना करो साईं। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम शिरडी छोड़कर कब जाओगे? चला जाऊंगा। कब? जब वैद्य जी गणपत कदम को नासिक से लेकर आएंगे। तो तुम सब जानकारी रखते हो? अरे नहीं नहीं द्वारकानाथ जी, इसे जानकारी कैसे होगी? वो तो वैद्य जी के दाएं बाएं दो है ना, दगड़ू और धोंडू, उन्होंने नासिक जाने से पहले इसे बता दिया होगा। तुम शायद भूल रहे हो कोंडा जी, साईं बाबा की हुकूमत पंच महाभूतों पर भी चलती है। कोंडा जी, तुम्हारी छोटी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। रहाता में तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी बहुत जरूरत है।
तुम्हारी भाभी ने तुमसे कुछ मंगाया था, तुम भूल गए हो हाँ? सबका मालिक एक। पानी चाहिए? तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। जेठ जी आ गए क्या? भैया आ जाएंगे शकु। कोंडा जी आकर क्या करेगा है? माँ भैया को साई बाबा की उदी लाने को कहा था, वो उदी लाएंगे तो शकु ठीक हो जाएगी। माँ क्या करोगे भैया इस मनहूस को ठीक करके? मने दो इसे। सुभद्रा, तुम मेरी बहन हो इसीलिए चुप हूँ, नहीं तो इसी वक्त तुम्हारी जबान काट देता। किसे मैं तुमको काटने देती हूँ? मेरी लाडली बेटी है ये। माँ शकुंतला मेरी पत्नी है। अरे ऐसी दरिद्र पत्नी किस काम की हा? जब से आई है तब से खाट तोड़ रही है। दहेज के लिए कहा था इसके मायके वालों को, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता, उल्टे तेरे पैसे खर्च करवा रहे हैं इसकी बीमारी पर। गोपाल भैया, घर में जो बेकार चीज होती है हम उसे घर से बाहर फेंक देते हैं ना, तो इस मनहूस को घर में क्यों रख रखा है? फेंक दो इसे बाहर। सुभद्रा, अरे कितनी बार मैंने कहा इसे इसके मायके छोड़ा, नहीं चाहिए हमें ऐसी बहू। तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी है क्या हा? अरे मुझे बोलो, मैं एक से एक सुंदर लड़की लाकर दूंगी अपने देवर जी के लिए। बस तू इसे भूल जा, वो अपने आप ही चली जाएगी। साईं बाबा, साईं बाबा, जाओ चले जाओ यहाँ से। क्यों क्यों आए हो तुम? जाओ चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम। तुम सब स्वार्थी हो स्वार्थी। पैसा चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए तुम्हें। इंसान की कोई कीमत नहीं तुम्हारे दिलों में। लानत है तुम पर। अरे इंसान से बढ़कर पैसा हो गया तुम्हारे लिए। धिक्कार है, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। जाओ यहां से, सिर्फ अपने बारे में सोचो, किसी के बारे में कुछ मत सोचो। तुम लोग जाओ, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, जाओ, चले जाओ, चले जाओ। देखो ना माँ, भैया कितने गुस्से में हैं। पैसा किसने बनाया? पैसे को इंसान नहीं ना, तो अब पैसा इंसान को खाएगा क्या? सोचो, समझो, पैसा ही माया है, पैसा अहंकार है, पैसा लालच है, पैसा ही झगड़े की जड़ है। पैसा भाई भाई को लड़ाता है, पैसा ही सास बहू के बीच में दीवार खड़ा करता है। फिर भी तुम्हें पैसा चाहिए, क्या करोगे पैसे का तुम लोग? क्या करोगे पैसे का? साथ ले जाओगे? अरे लालच उसका करो जो तुम्हारे साथ जाएगा। उस परमेश्वर का लालच करो, उसका अहंकार करो। अरे मांगना है तो उस परमेश्वर को मांगो, पैसे को नहीं। ये मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिलता, उस ऊपर वाले की कृपा से मिलता है। तो अपना भविष्य संवारो, संवारो उसको। अरे उसकी आराधना करो तुम लोग, पैसे की नहीं करो, पैसा तुच्छ है। जाओ चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, साई, चले जाओ। साई बेटे, साईनाथ भैया, साई बाबा, किसने पैसे को परमेश्वर समझा? साईनाथ बोलिए, साई बाबा हुआ क्या है? साई बेटे, इतना गुस्सा किस पर? माँ,
ये लोग नहीं समझते, इन्हें समझाओ माँ, इन्हें समझाओ। जो कोई भी ईश्वर के भक्त को तकलीफ देता है वो खुद तकलीफ में आ जाता है, खुद तकलीफ में आ जाता है। इंसान को एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, नफरत नहीं। अरे जिससे तुम नफरत करते हो उसमें भी तो वही भगवान है जो तुम में है। तुम नफरत करोगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, और ईश्वर नाराज हो गया तो तुम लोग क्या करोगे? फिर से अधापतन हो जाएगा तुम्हारा, फिर से अधापतन। मां माँ इन्हें समझाओ, माँ इन्हें इन्हें समझाओ, अपना बनाओ। अपनों को अपने से दूर मत करो। आपस में फासला मत बढ़ाओ, फासला मिटाओ। परिवार में जब झगड़े होते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ, मुझे बहुत दुख होता है माँ। परिवार के सदस्यों में मत भिन्नता हो सकती है, हर किसी की राह अलग हो सकती है, उसके लिए झगड़ना ये कहां की बुद्धिमता है? एक एक परिवार मिलकर ही समाज बनता है, जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध होते हैं। जो मनुष्य को, पक्षियों को और पशुओं को एक दूसरे के करीब लाते हैं, उसी उसी ऋणानुबंधों के कारण परिवार में बच्चों और बहुओं के रूप में नए सदस्य आते हैं। कब तक समझोगे तुम लोग, कब तक समझोगे? अरे परिवार के बिखरने का मतलब है कि समाज का बिखर जाना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, 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 मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सबका मालिक एक है,
सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। पल पल मिथ्या बोलना लोगों का अभ्यास, देख के इनकी मूर्खता बाबा हुए उदास, साई हुए उदास। ये मानव माटी के पुतले, ये प्राणी पानी के भगुले, धोखे धड़ी का सौदा करते झूल रहे लालच के झूले। पल में पिचक कर रह जाएंगे, पल में पिचक कर रह जाएंगे, फिर जो भूले माया के मोह में बंद है आंखें, द्रव्य के लोभ में दिव्य को भूले, माया के मोह में बंद है आंखें, द्रव्य के लोभ में दिव्य को भूले। साक्षी